तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये बात पढ़ ली थी कि भाई शेयर्स क्या होते हैं एंड वी वर टू स्टार्ट टुडे विद व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स तो प्रैक्टिकली पुराने जमाने में शेयर यूज टू बी अ सर्टिफिकेट और इस सर्टिफिकेट के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती थी जिसको आप बोलते थे फेस वैल्यू और इसी फेस वैल्यू पे कंपनी देती थी परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स तो इफ वी डिसाइड कि हम थर्टी परसेंट डिविडेंट देंगे तो इसी दस रुपए पर हम थर्टी परसेंट डिविडेंट देसेंट डिविडेंड देंगे तो इसी दस रुपए पर ट्वेंटी फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर अब शेयर की वैल्यू अगर दस रुपए और कंपनी इसे दस रुपए में ही बेच रही है तो वी कॉल इट एज इशू ऑफ शेयर एट पार बट कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में तो कंपनी थिंक्स क्यों हम दस रुपए का शेयर दस में बेचे राधा वील बी विलिंग टू सेल द शेयर एट अ हायर प्राइस एंड इट मे गो अपीज थर्टीन अब अल्टीमेटली यहाँ पे कंपनी को एडवांटेज क्या है उसकी जेब में तो तेरह रुपए आएंगे बट उसको कल को डिविडेंट किस पे देना पड़ेगा दस रुपए पे तो अगर हम ट्वेंटी परसेंट डिविडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी गिवेन ऑन फेस वैल्यू इनरेस्पेक्टिव सेलेक्ट एट टेन रूपी और वी सेलेक्ट एट थर्टीन हम ट्वेंटी परसेंट हमेशा फेस वैल्यू पे ही डिविडेंट देंगे सिमिलरली इफ कंपनी to sell the share at a reduced price, say of rupee, नहीं। but as per Companies Act 2013, thousand आप market में cash लेकर share को discount पे नहीं बेच सकते। So your syllabus constitutes issue of shares only at premium and par basically. discount पे issue of shares आपके syllabus में नहीं है। 2013 thousand के act के पहले होता था, now it is not there in the real world as well. आप कोई asset वगैरह खरीद रहे हैं? देन यू कैन गिव शेयर टू द पर्सन एट डिस्काउंट आप एम्प्लॉइज को उनकी लॉयल्टी फेवर करने के लिए शेयर दे रहे हैं देन यू कैन गिव दम शेयर एट डिस्काउंट बट पैसा लेकर शेयर्स को डिस्काउंट में बेचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है खोपड़े में बात गई सबके समझ में आ गया चलिए सो लेट्स कंटिन्यू विदेडिंग टाइटल्ड एस चिल्ड्रन इश्यू ऑफ शेयर एट पार्क खोपड़े में बात गई सो वेन द शेयर

ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इट कैन नॉट रिसीव मनी इन कैश ये अलाउड नहीं है यू कैन रफली से जितने भी बैंक को आप बोलते हैं ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है दे ऑल आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक और ये जो आजकल एच डी एफ सी आईसीआईसी आपको नजर आ रहे हैं दे आर ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शेड्यूल बना हुआ है उसमें जिन बैंक का नाम है कंपनीज अपने अकाउंट्स में पैसे तो रख सकती है बट शेयर का पैसा वहां पर रिसीव नहीं कर सकती इज दट क्लियर सो वेन मनी इज रिसीव बिकॉज बैंक एक्ट एज रिसीवर तो हम डेबिट कर देंगे

मल्टीप्लाई इट बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर इतनी कहानी सबको समझ में आ गई अब एप्लीकेशन तो बहुत ढेर सारे लोग फाइल करेंगे कुछ लोगों के एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करेंगे कुछ के एप्लीकेशन हम रिजेक्ट भी कर देंगे सर इसका क्या बेसिस होता है कंपनी जब भी शेयर्स अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन चेक करती है तीन कैटेगरीज में शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाता है फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पीपल हु इन्वेस्ट इन करोड एंड लैक्स यू कैन से पीपल लाइक अंबानी ये लोग भी शेयर दूसरी कंपनी के खरीदते हैं और उसके बाद फिर हमारे जैसे आपके जैसे गरीब आएंगे टाइटल डैस बहुत रिटेल इन्वेस्टर जो लिमिट डिसाइड की गई थी किसी जमाने में दैट मीन फिफ्टी थाउजेंड कि पचास हजार रुपए तक के शेयर अगर कोई खरीदता है तो उसे क्या बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर बट अब ऐसी कोई लिमिट खास चलती नहीं है वो चेंज होती रहती है बट आईपीओ टू आई पीओ कीटेगा भी तो यह बात समझ में आ गई तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर द कॉर्पोरेट्स जो आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द सो कॉल रिच पीपल हुई शेयर लाख ऑफ रुपीज और पचास हजार पुराना रूल था नया रूल वी ने बताया दो लाख का है इन लोगों को क्या बोलते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर सबकी लिमिट फिक्स है को 25 कुछ केस में परसेंट से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते शेयर को दिए जाते हैं बट पता लगा कंपनी तो सौ करोड़ के शेयर बेच रही है और लोग चार हजार करोड़ रुपए के एप्लीकेशन कंपनी के पास भेज दें तो क्या सबको शेयर देना कंपनी के लिए पॉसिबल है प्रैक्टिकली नो no. तो किसी ना किसी को शेयर मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो बात की स्टोरी है जिनको मिल गया देयर मनी विल बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी इन कैपिटल और आपने जब पैसे लिए थे तो दीज पीपल आर एक्टिंग एज गि नाउ वी शैल बी क्लोजिंग देयर अकाउंट और आपकी नेट इफेक्ट एंट्री आपको क्या नजर आ रही है बच्चों अगर ध्यान से आप एंट्री को देखें बैंक अकाउंट इज डेबिटेड यस और नो एंड आफ्टर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज एंडर फाइनली सॉरी कैपिटल इज क्रिएटेड फाइनली एप्लीकेशन एप्लीकेशन गेट्स अगर इस बैंक की जगह हम कैश लिख लें बच्चों तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी और शेयर वर्ड उड़ा दें तो क्या बचेगा बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल और कैश टू कैपिटल जैसी एंट्री इलेवंथ क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ी है बस उसी एंट्री के ऊपर गहन रिसर्च है बिकॉज मनी इज ऑलवेज रिसीव्ड इन अ बैंक तो कैश की जगह हमेशा क्या लिखना है बैंक क्योंकि काफी ढेर सारे लोगों से पैसा मिलता है दैट्स वाई वी यूज द वर्ड शेयर एंड मल्टीपल स्टेजेस पे पैसा मिलता है दैट्स वाई वी हैव न्यूमरस एंट्रीज इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं समझ में आई ओपन में बात गई पक्का चलिए चलते हैं आगे तो आफ्टर रिसीविंग व्हाट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी अब कंपनी लोगों से क्या मांगेगी भाई अलॉटमेंट सो कंपनी जब अलॉटमेंट मांगेगी दीज पीपल आर इन डेटेड टू द कंपनी दे एक्ट एज वॉट डेटर्स और इन फ्यूचर जब पैसा आएगा तो इट्स अ अटी इन द नेम ऑफ कैपिटल सुनाई पड़ गई बात सुनाई पड़ गई बात

मनी hmm. bank, bank the so पे भी अगर आप ध्यान दें तो भाई अलॉटमेंट और अलॉटमेंट गेट्स कैंसल्ड क्या बचेगा बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक की जगह कैश कर दें तो एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इतना समझ समझ में में आ आ गया और इक्विटी शेयर को उड़ा दें तो एंट्री क्या बनेगी कैश टू कैपिटल बात गई थोड़ा सा स्टोरी में आपको ट्विस्ट नजर आएगा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों एप्लीकेशन के टाइम पे यहां पे आपने मल्टीप्लाई किससे किया था नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से बट देयर आफ्टर हम हर बार मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे बच्चों नंबर ऑफ शेयर अभी स्टार्टिंग में इस बात का फर्क आपको महसूस नहीं होगा ये आगे चल के महसूस होने लग जाएगा समझ में आ गया अलॉटमेंट मनी मिलने के बाद कम से कम मिनिमम हैज टू बी अ गैप ऑफ वन मंथ हर स्टेज के बीच में कम से कम एक महीने का गैप होना चाहिए इधर इट इज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में या अलॉटमेंट एंड कॉल के बीच में अगेन वेन कॉल मनी इज टू बी रिसीव्ड हम कॉल का पैसा जब मांगेंगे जो भी कॉल होगी यहाँ पे आप उसका नंबर लिखेंगे लास्ट कॉल में आपको क्या अटैच करना है एज टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड फाइनल कॉल अटैच हो जाएगा देर आफ्टर चिल्ड्रन अगेन जब पैसा मिलेगा तो मनी विल कम इन कैश और इट विल कम इन टू दैंक बैंक तो बैंक को डेबिट कर देंगे एंड पीपल एक्ट एज गिवर्स दैट इज रिसीवर कितनी बात समझ में आ गई yes. तो यहां पे मैंने एंट्रीज तो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की है अगर सेकेंड कॉल होगी तो आप अकॉर्डिंगली इस सेट ऑफ एंट्री को बचो फिर से रिपीट कर देंगे उसके लिए लॉजिक वेंट वेल Yes, चलिए इतना सब कुछ करने में कुछ खर्चा पानी भी होगा यस और नो तो खर्चे पानी की एंट्री क्या हो जाएगी भाई शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तो एंट्री बन जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक इतनी कहानी समझना थोड़ी देर के लिए क्लास इलेवेंथ में चले आइए और अगर मैं आपको बोलूं

तो कंपनीज को बोला गया कि आपको पीएल नहीं बनाना हेन्स फोर्थ आप क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप इसको यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए और एंट्री क्या बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस सो दिस इज द एंट्री फॉर पेमेंट एंड दिस इज द एंट्री फॉर राइट ऑफ जैसे फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप में करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल वो एंट्री एडजस्टिंग होती थी और फिर आप एंट्री करते थे पीएल प्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है ओके आगे कुछ प्रीमियम जैसा नजर आ रहा है लोगों को वो हम बाद में पढ़ेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी आपको बस इतना समझना है यहां तक समझ में आ गया पक्का चलिए तो एक समरी तैयार की हुई है चलिए कोई क्वेश्चन आया है मालवी जी क्या प्रश्न है नहीं इक्विटी वर्ड लिखना कंपलसरी है अनिवार्य है क्योंकिट में इ दे कैन टेक द रिस्क बट सीबीएसई वालों के दो तो नंबर पक्का कटेंगे गारंटी कटेंगे एक चार्ट बना के दिया है बच्चों मैंने आपके नोट्स में ताकि आप एंट्रीज में कभी कंफ्यूज ना हो एप्लीकेशन के टाइम पे रिसेप्ट की एंट्री पहले होगी और ट्रांसफर की एंट्री बाद में बट अलॉटमेंट एंड कॉल्स के टाइम पे चल ड्यू की एंट्री पहले करनी है और रिसेप्ट की बाद में ऐसा क्यों जवाब बहुत ही आसान है क्या हम सड़क चलते किसी भी इंसान से कहेंगे लो एप्लीकेशन का पैसा दो नो no. लिए अप्लाई कर दे नाउ विल क्रिएट अ राइट एंड एन ऑब्लिगेशन विल बी इंपोज ऑन द पर्सन द शेयर कि भैया तुमने शेयर खरीदा था तो अब तुमको आगे की दो स्टेजेस देनी ही देनी रिसिप्ट की एंट्री पहले करेंगे कितनी कहानी समझ आ गई कितनी कहानी समझ आ गई रिसिप्ट एंट्री में हमेशा आपको बैंक को डेबिट करना है किसको डेबिट करना है बैंक को और पर्टिकुलर स्टेज को आप क्या करेंगे क्रेडिट ड्यू या ट्रांसफर में स्टेज विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड कैपिटल दो बातें याद रखिएगा इन रिसेप्ट एंट्री बैंक इन ड्यू और ट्रांसफर एंट्री स्टेज विल ऑलवेज बी क्रेडेड दूसरी साइड पे सॉरी कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड और दूसरी साइड पर आपको हमेशा क्या लिखना है स्टेज फिर से बोल दू पर बैंक वाली एंट्री में हमेशा रिसिप्ट वाली एंट्री में हमेशा बैंक को क्या करेंगे आप डेबिट ड्यू वाली एंट्री में कैपिटल को हमेशा क्या करेंगे आप क्रेडिट दूसरी साइड क्या रहेगा स्टेज रहेगी समझ गए आसान क्वेश्चन है नजर आ रहा होगा आपको एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर टेन थाउजेंड शेयर एज रूपी टू वन एप्लीकेशन फाइव ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल जरा बताइए टेन में अगर टू एप्लीकेशन में मिला फाइव अलॉटमेंट मिला तो कॉल पे कितना मिलेगा थ्री रुपी वेरी गुड एक्सेलेंट आंसर थ्री रूपी ऑन कॉल इतना समझ में आ गया चलिए लेट स्टार्ट तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड बिलो दैट वील राइट जर्नल डेट Particulars, LF, amount एल एफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट बहुत सिंपल है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इट्स वेरी इजी सबसे पहले आप किस स्टेज की एंट्री पास करेंगे बच्चों एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे एंड एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी लेट्स अंडरस्टैंड दिस इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इन प्लेस ऑफ इक्विटी शिवकुटी लिख दीजिएगा प्रयागराज बड़ी फेमस जगह है शिवकुटी सावन का मेला लगता है वहां पे चलिए वैल्यू क्या आएगी फॉर्मुला मैंने आपको लिखवाया है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक व हाउ मेनी इन आर क्वेश्चन चिल्ड्रन टेन थाउजेंड और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है भाई रुपीज टू तो वॉट इज टेन थाउजेंड इंटू टू ट्वेंटी थाउजेंड करेक्ट अगली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन ऊपर क्रेडिट था फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग वॉट वी नीड टू डू डेबिटेड सो एंट्री वुड बी वॉट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट वुड बी है After application, we have which state children allotment. allotment? Very good. So entry for allotment due will make the shareholder to act as a debtor. Debtor belongs to the category of asset or liability. Asset when asset increases, modern rule says what? Debit. So the entry would be children equity share equity, allotment. Share allotment. Account, debit to, debit to equity share capital account. It's a ten thousand shares, children. If I am not wrong, and what is allotment money per share? Five rupee. What is ten thousand into five? Fifty thousand. And we have received this money, so the entry will be. फॉर पुटिंग द मनी इन टू द बैंक बैंक विल एक्ट एज अ रिसीवर क्या होगी एंट्री भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वैल्यू इज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इतना सबको समझ में आगे भाई अब लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो एक ही स्टेज है हमारे पास अगेन वील मेक द शेयर होल्डर टू एक्ट एज अ टेटर आर द डेटर्स हम इन्हें डेटर्स बनाने के लिए क्या करेंगे भाई डेबिट यूल राइट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सो एंट्री इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 shares were there, children. And what was the amount payable per share on call? Three. What is 10,000 into three? 30,000. Will the money be received in cash? No. come Pesa. Bank. So entry would be what? Bank account debit to equity share. First and final call account. थर्टी थाउजेंड वेरी डिफिकल्ट बस याद रखना है कि एप्लीकेशन में रिसिप्ट की एंट्री पहले होगी और ट्रांसफर की एंट्री बाद में बाकी हर स्टेज में आप रिसिप्ट की एंट्री बाद में करेंगे और ट्रांसफर की पहले रिसिप्ट में बैंक डेबिट होगा और स्टेज क्रेडिट आई रिपीट चिल्ड्रन बैंक डेबिट एंड स्टेज क्रेडिट प्रॉब्लम बात गई एंड इन केस ऑफ ट्रांसफर और ड्यू आप स्टेज को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे लॉजिक अंडरस्टूड वेल लॉजिक अंडरस्टूड वेल कुछ खर्चा वगैरह भी हमारा हुआ है बच्चों या फ्री में शेयर हाउ मच फोर थाउजेंड वट इज द एंट्री फॉर रेंट पेड एज स्टडीड इन क्लास इलेवन रेंट टू कैश वेजेस पेड की एंट्री वेजेस टू कैश प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस पेड की एंट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश सो हेयर

कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया गया डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी है जब हम पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब उस स्टोरी से पर्दा उठाया जाएगा समझ में आ गई सबको एंट्रीज कोई डाउट है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन नंबर टू चिल्ड्रन विजिबल टू ऑल चलिए यहाँ पे लिखा है वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर थर्टी शेयर्स ऑफ टेन ईच पेबल एस थ्री ऑन एप्लीकेशन

एक्सपेंसिज अमाउंटेड टू फाइव थाउजेंड हो जाएंगे एंट्रीज चलिए स्टार्ट करिए पहली चार एंट्री झटपट फास्ट करें देन आई हेल्प यू आउट पहली एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कृपया करके शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें क्योंकि आपको एग्जाम देना है मेरे को नहीं देना देर आफ्टर एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम वैल्यू वैल्यूल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 20 का अलॉटमेंट करेक्ट एंड आफ्टर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तीस हजार शेयर और दो रुपए का अलॉटमेंट मैंने गलती तीन रुपए बोल दिया क्या अरे मतलब साठ हजार आएगा वो कोई बात नहीं गलती हो जाती है इंसान से गलती करेंगे तो साबित होगा इंसान नहीं तो हैवान समझ लेंगे लोग okay. चलिए अब करते हैं कॉल की एंट्री बच्चों okay. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वैल्यू हो जाएगी ढाई रुपए के हिसाब से तीस हजार शेयर पे सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड देन वी हैव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एन और डी भी लिख सकते हैं आप और चाहे तो ऐसे दो डंडी भी खींच सकते हैं ऐसे भी सेकेंड लिखेंगे तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है टू इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली रिमेंबर टू अवॉइड पुटिंग शॉर्टफॉर्म्स अगर आपने इक्विटी के लिए ई e शेयर के लिए एस एस ए शर्मा गए तो टीचर भी नंबर देने में शर्मा ही जाएगा एंड द नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल वैल्यू इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक्सपेंसेस भी थे बच्चों कुछ तो एंट्री हो जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक फोर थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम लग गया चलिए एंड देन इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लीज डोंट राइट अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस वैल्यू फाइव थाउजेंड इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री सबको नजर आ रहा है बच्चों चार एप्लीकेशन पे है तीन अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल तो भाई फोर थ्री एंड वन कितना हो गया बच्चों एट और दस में से कितना बच गया टू हो जाएगा क्वेश्चन चलिए डू इट वेरी क्विकली ये नॉन राइटिंग मोड पे चेक होगा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा पहली एंट्री बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल सब में 80, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दोनों में सिक्सटी थाउजेंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इट इज ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज फोर्टी थाउजेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल फोर्टी थाउजेंड एक्सपेन्स की एंट्री क्या करेंगे हम शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू शेयर इशू एक्सपेंस नॉट कंप्लीटेड प्लीज डू इट फास्ट सो सबको सिंपल एंट्री समझ में आ मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था रियलिटी में, में बच्चों पूरा पैसा एक साथ मांगा जाता है तो सर हमको ऐसा पढ़ाए क्यों जा रहा है अगर पूरा पैसा एक साथ मांग लेंगे तो एंट्री कम हो जाएगी फिर आपका टाइम कैसे नष्ट होगा तो एजुकेशन सिस्टम को यह भी तो एक काम करवाना है इम्पोर्टेंट तो रियालिटी में ये दादाजी के जमाने का सिलेबस है आपके दादाजी ने भी पढ़ा होगा मेरे दादाजी ने पढ़ा है मैंने भी आपके पापा है आप भी पढ़ रहे हैं और यही हाल रहा है एजुकेशन सिस्टम का आपकी अगली जनरेशन भी यही पढ़ेगी इज दैट क्लियर चलिए बच्चों तो इसी के साथ आप समझ गए बेसिक एंट्रीज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए लॉजिक अंडरस्टूड वेल कोई डाउट है तो आस्क